हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ वट एक्स एजुकेशन डिवीजी दिस इज योर ट्यूटर इक्राफ फातिमा हेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिबेलियन इन द कंट्री साइट आज के इस वीडियो में हम रिबेलियन इन द कंट्री साइट के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा मूवमेंट इन द टाउन्स जैसे सिटीज टाउन्स अर्बन एरियाज में मूवमेंट्स हो रहे थे अब ठीक उसी तरह विलेजेस रूरल एरियाज

एरियाज़ में वो चला गया था ठीक है? अब देखो ये जो कंट्री साइड था वहां मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन थी अब ये जो कंट्री साइड में जो ये चल रहा था मूवमेंट इसे किसने किया था तो ये और ट्राइबल्स का था ये किसका था पीजेंट्स और ट्राइबल्स का था वहां किसका था मिडिल क्लासेस का था ठीक है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स uh, वो लोग क्या कर रहे थे Participate कर रहे थे इसमें और ट्राइबल्स थे इसमें और ठीक है उस के के बाद First World war के बाद क्या हुआ था कि इंडिया से अलग अलग डिफरेंट पार्ट से लोग क्या हो रहे थे तैयार हो रहे थे किस चीज के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अब वो पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे अब हमें देखना है सबसे पहला ये जो

ने किया था अब ये किस चीज के अगेंस्ट था यानी किस चीज के अगेंस्ट था ये जो पेजेंट मूवमेंट था तो ये था अगेंस्ट तालुकदारों एंड लैंडलॉर्ड्स सी लैंड और हम कह सकते हैं इसे ये तालुकदारों और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये क्या था मूवमेंट था ये क्या था इसमें क्या था कि ये डिमांड कर रहे थे हाई रेंट्स का एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सीजेस फ्रॉम पेजेंट्स ये उनके अगेंस्ट था तो और का जो क्या कर रहे थे हाई रेंट्स पे करने के लिए बोल रहे थे और अलग अलग तरह के जो टैक्स होते हैं लेवी उसे क्या कर रहे थे पीजेंट से वो लेते थे डिमांड करते थे इसी के अगेंस्ट क्या था कि ये पीजेंट मूवमेंट हुआ था जिसे बाबा रामचंद्र लेड कर रहे थे अब क्या है बेगर वहां पे पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था

वो जो अवध में जो पीजेंट्स जो लैंड लॉर्ड्स और तलकदार्स के अंडर में जो काम करते थे उनके लिए जो काम करते थे उनको सिक्योरिटी उनको सेफ गार्ड उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड नहीं हुआ करती थी ये सारी चीजों की बहुत कमी थी इसी चीजों को इन चीजों को खत्म करने के लिए इनके अगेंस्ट पीजेंट्स ने क्या क्या मूवमेंट स्टार्ट किया था कौन इसे लेट करा था तो बाबा है अब अब देखो demand of this movement. अब इस को को हमने देखा कि के लिए कर रहे हैं पीजेंट्स नहीं था पेमेंट उन्हें वर्क करना पड़ता था हाई रेंट्स पे करने पड़ते थे अलग अलग तरह के लिए भी टैक्सेस पे करने पड़ते थे किसे पीजेंट्स को अब इस पीजेंट मूवमेंट का डिमांड देखो क्या था उन्हें ये उनकी क्या मांगे थी उनकी ये मांगे थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू वो जो रेवेन्यू जो टैक्स पे करना होता था उन्हें उनको उन्हे काम खत्म कर दो रिडक्शन करना उनको रिड्यूस करना था अबोलिशन ऑफ बेगर उन्हें जो भीख मांग करके काम भीख मांगना पड़ता था प्लस काम जो करना पड़ता था बेगर यानी कि भीख जो मांगना पड़ता था उसे क्या करना था खत्म करना था दूसरा तीसरा सोशल बॉयकाट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स और वो सोशल बॉयकाट करना था लैंडलॉर्ड्स जो अप्रेस करके रखते थे ऑपरेस्ट करके रखते थे अपने अंडर में काम करते थे अपना ब्रूटल ट्रीटमेंट जो लैंडलॉर्ड्स जो पीजेंट्स के साथ करते थे बुरा सुलूक करते थे कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते थे काम करवा लेते थे पैसे नहीं देते थे तो इन सारे चीजों के अगेंस्ट अत्याचार जो करते थे तो उन्हें छुटकारा चाहिए था अब जैसे एक है नई तो भी भान्स बान्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव देखो एंड इन अक्टूबर नाइनटीन ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन ट्वेंटी में क्या हुआ था की कि औद किसान सभा औद किसान सभा सेटअप किया गया था इसे कौन हेट कर रहा था जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे ठीक है और बाबा रामचंद्र इनके साथ कुछ अलग भी, थे, few others, कुछ आ, और भी लोग थे ये और किसान सभा उन्होंने अंदर अंदर अब देखो टू इंटरग्रेट इसका क्या मोटो था अवर स्ट्रगल इन टू दी वाइडर स्ट्रगल उनको इंटरग्रेट करना था इस औत किसान सभा के थ्रू वो क्या चाहते थे जो फार्मर्स थे जो पीजेंट्स थे उन्हें क्या करना था इन्हें इंटरग्रेट एक साथ जोड़ करके उन्हें रखना था स्ट्रगल इन टू दाइडर स्ट्रगल एक वाइडर स्ट्रगल के लिए यानी कि अलग बड़े पैमाने पे मूवमेंट लड़ने के लिए वो एकजुट होकर क्या करना चाहते थे रहना चाहते थे तभी आगे चल के वो क्या कर सकेंगे उनके अगेंस्ट एकजुट होकर के यूनाइट होकर के लड़ सकेंगे अच्छे से ठीक है ये इसका ये मोटो था

किसान लोग जो काम करते थे वो जो अपना व्यापार करते थे उनके मार्केट्स को क्या कर दिया गया रॉबरी लूट लिया गया वहां पे अब देखो ग्रेन्स हॉट्स ग्रेन हॉट्स टेकन ओवर अब वो जो अनाज की जो वो लोग वो जो किसान लोग जो खेती करते थे अनाज फसल उगा करके जो लैंड को दिया करते थे वो जो स्टॉक करके रखते थे उनको जब्त कर लिया गया ये पीजेंट्स ने क्या किया उन्हें कब्जा कर लिया और उन्हें बांट दिया ठीक है

गरीला मूवमेंट दो मूवमेंट था एक पीजन मूवमेंट अवध में पीजेंट ने लीड किया था अब ये गरीला मूवमेंट किया था इस मूवमेंट को तो लीड पहले, पहले कर रहे हैं ठीक है जिसमें पीजेंट मूवमेंट हमने पढ़ा अब गरीला मूवमेंट है यानी कि इसे कौन अब लीड करेगा ट्राइबल्स लीड करेंगे अब उसका भी एक सरदार होगा जैसे पीजेंट्स का एक सरदार था बाबा रामचंद्र वैसे गरीला मूवमेंट में भी इसका भी एक सरदार होगा अब देखो ये गुरिला मूवमेंट क्या है ये मूवमेंट है स्प्रेड इन दर्ली नाइनटीन ट्वेंटीज ये अर्ली नाइनटीन ट्वेंटीज में ये स्प्रेड हुआ था कहा इन द गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में ये किया गया था ये कौन किया था इसे ट्राइबल्स ने किया था यानी ट्राइबल पीजेंट्स ने किया था किसने किया था नॉर्मल पीजेंट्स जो थे ये ट्राइबल पीजेंट्स ने किया था अब क्यों किया था ये गुरीला मूवमेंट गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट को स्प्रेड क्यों किया गया ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा तो हम ये देखते हैं बिकॉज the colonial गवर्नमेंट बिकॉज the colonial गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज अब वो जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वो तो फॉरेस्ट एरियाज पे ही पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था वो जो पूरा फॉरेस्ट एरिया था उसे अपने अंडर में ले लिया था और उसे बैन कर दिया था ये ट्राइबल्स को एंटर करने से ये पहला रीजन है यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था ट्राइबल्स के लिए वो जो फॉरेस्ट एरियाज था उसे

यानी सॉरी उन्हें ग्रेस करने के लिए भी उन्होंने क्या कर रखा था बैन कर रखा था यानी कि फ्यूल रूट्स फ्रूट्स फूड्स जो भी चीज जो भी ट्राइबल्स फॉरेस्ट एरियाज पे डिपेंडेंट होते हैं जिस भी चीज के लिए खाने पीने के लिए उन सारे चीजों को लेने से उन्होंने क्या कर दिया था बैन कर दिया था यानी मना कर दिया था किसने मना किया था किसने बैन किया था तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया था किसे किया था तो ट्राइबल पीपल को किया था सॉरी ट्राइबल पीजेंट्स को किया था अब यहाँ देखो लीवलीहुड अफेक्टेड अब उन्होंने बैन किया दे प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग इन फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रेस कैटल्स टू कलेक्ट फ्यूलूस फ्रूट्स एंड सम फूड्स ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर दिया प्रिवेंट कर दिया बैन कर दिया तो जितने भी ट्राइबल पीजेंट्स थे जो भी ट्राइबल थे गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के वहाँ पर जो वो सरवाइव कर रहे थे उनकी जो लीवली थी उनकी जो लाइफ थी वो क्या हो गई अफेक्ट कर गई वो तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरियाज पे डिपेंडेंट होते हैं अब उन्हें ही वहां पे बैन कर दिया जा रहा है तो उनके तो लाइफ का क्या होगा मतलब उनकी लाइफ तो अफेक्ट होगी ठीक है अब देखो ट्रेडिशनल राइट वर बी डिनाइड अब उनके पास जो भी ट्रेडिशनल राइट थे उन्हें उनके पास जो भी अधिकार थे फॉरेस्ट एरियाज में उन सारे चीजों को क्या कर दिया गया डिनाइड कर दिया गया ठीक है अब इस मूवमेंट को कौन लेट कर रहा था तो अलूरी सीताराम राजू मूवमेंट को कौन कर रहा था बाबा रामचंद्र ये जो ट्राइबल मूवमेंट है ट्राइबल पीजेंस मूवमेंट है इसे किसने किया अलूरी सीताराम राजू ने किया वो क्या कर रहे थे ही हिज वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स उन्होंने क्लेम किया उनके पास बहुत सारे स्पेशल हैं वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स उनके पास हैं ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हेल्प हील पीपल वो एस्ट्रोलॉजिकल uh, क्या है एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं लोगों को हील कर सकते हैं इन सारी चीजों का उनका मानना था यानी कि वो यहाँ तक कि बुलेट शॉट्स को भी वो क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं अपने सीने पे गोलियां भी खा सकते हैं किसने कौन अलूढ़ी सीताराम राजू ने ठीक है ये सारी चीजें हो गई अब रेबल्स प्रोक्लेम्ड ही वॉज एन इनकार इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड ही टॉक्ट अबाउट दी ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी एंड इंस्पायर्ड बाई नैन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सारी चीजें तो हो गई अब वो जो रेबल्स थे वहां के जो वो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्हें देवता मानने लगे थे इनकारनेशन ऑफ गॉड मानने लगे थे उन्हें दूत भगवान के एंड ही टॉक्ट अबाउट द ग्रेटनेस और वो जो अलूरी सीताराम राजू थे वो महात्मा गांधी के ग्रेटनेस के बारे में उनकी महानता के बारे में ये सारी चीजों के बारे में बातें भी करते थे लोगों को इंस्पायर करते थे मोटिवेट करते थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस करके लोगों को वहां पे क्या करते थे इंस्पायर और मोटिवेट करते थे ठीक है अब देखो येड इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय दी यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस अब अलूरी सीताराम राजू का भी कहना था कि इंडिया को अगर आजाद होना है लिबरल होना है तो जबरदस्ती होना पड़ेगा हमें लड़ करके होना पड़ेगा लेकिन नन हाथ रख करके शांति से, कर से चुपचाप में पीसफुल वे में कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम अंग्रेजों से जाकर के प्यार से बात करेंगे तो होगा कभी कभी नहीं होगा नेवर एवर कभी ऐसा नहीं होगा जो हमारा हक है जो हमारी राइट्स है उसे हमें जबरदस्ती छीनना पड़ेगा तभी जाकर के हम क्या होंगे लिबरल होंगे तभी आजाद होंगे ऐसा अलूरी सीताराम राजू का कहना था ठीक है आप देखो ये जो गडम हिल्स के रेबल्स जो थे उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया उन्हें इंस्पायर किया गया मोटिवेट किया गया कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा हम दूसरों को नहीं लेने देंगे ऐसे करके उन्हें इंस्पायर किया मोटिवेट किया तो लोग उस टाइम क्या थे यंगस्टर्स वो जो ट्राइबल पीजेंट्स उनके क्या जोश बह रहा था आजादी का एकदम लिबरल होना था उन्हें आजाद होना था ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो बैन किया हुआ था इन सारी चीजों से फ्रीडम चाहिए था फ्रीडम किसे पसंद नहीं होता है तो ठीक है तो ये सारे जोश में आके उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया और बहुत सारे अटैम्प्ट अटैम्प्टेड टू तो किल ब्रिटिश ऑफिशल ब्रिटिश ऑफिशल्स को मारने की कोशिश की गई एंड चलता रहा गया ये गुरीलाट गाफेयर गुरी, गुरीला किस चीज़ के लिए स्वराज के लिए यानी सिर्फ सेल्फ रूल के लिए लिबरल होने के लिए आजाद होने के लिए फ्रीडम के लिए ठीक है उसके बाद सब ये जब सारी चीजें हो गई तो अलूरी सीताराम राजू को क्या माना गया कैप्चर किया गया, गया मतलब वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर उन्हें सब इनकारनेशन ऑफ गॉड माने लगे थे तो और वहां पर वो क्या बन गए थे एक फ़ोक हीरो बन गए थे क्योंकि वो वहाँ के ट्राइबल पीजेंट्स को आज़ादी दिलाने में कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें इंस्पायर करने में उन्हें मोटिवेट करने में उनको अपने हक की चीज़ें लेने में कौन इंस्पायर किया था कौन मोटिवेट किया था कौन उनको आगे बढ़ने के लिए कदम मतलब आगे अपना कदम बढ़ाने के लिए हाथ दे रहा था सपोर्ट कर रहा था स्टैंड ले रहा था तो अलूढ़ी सीताराम राजू ले रहे ले रहे थे इसीलिए उन्हें वहाँ के जो ट्राइबल पीजेंट्स थे एक फॉक हीरो मानने लगे यानी उस रीजन के वहाँ के वो देवता बन गए हीरो बन गए ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग हैव अ ग्रेट डे एंड आल्सो नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब फेसबुक थैंक यू थैंक यू सो मच